Savinji, please, can we have few words? Okay. Firstly, thank you everyone. आप लोग सब यहाँ पर आए और मजाक करो, बाद में जा सकते हैं. Thank you, जैसे आपने देखा एक बहुत ही I think एक sincere team इकट्ठी हुई है, which I think perfect बैठी है. And at a personal level, it's a pleasure for me to be associated with each one of them. And working with the director and the producer, it's a great thing. And Trishita, of course. So now, say a few words. I want to thank everyone, our dear producer, my director, and Sameer for the wonderful acknowledgement. And Shomu, who I think is so cute and funny. मुझे तुमसे मतलब हमेशा ये उम्मीद होती है कि तुम कुछ तो ऐसा कहोगी जो आई वांट टू ओनली लाफ. थैंक यू शोमो फॉर आई हैव डन दिस फॉर शोमो. बट मैं कहूँगी ये कहानी इज ब्यूटीफुल विद अ वंडरफुल स्टार कास्ट एंड विद ऑल माय को-एक्टर्स विश अस लक एंड उम्मीद है दिस विल बी समथिंग डिफरेंट एंड एटलीस्ट लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स होपफुली. थैंक यू. हाजिरीन नमस्कार. सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. दोस्तों, मुझे खुशी है कि मैं इस रफ्तार बल्कि तेज़ रफ्तार का भी एक हिस्सा हूँ. मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह की फिल्मों को जितना भी ज़्यादा आप प्रमोट करें, जितना भी आगे बढ़ाएँ, तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है. अभी एक बंगाली में जो ये फिल्म हमने देखी, खूब भारो, बहुत अच्छी लगी. इन्होंने समीर जी को एक लाइन सुनाई, इन्होंने कुछ नहीं बोले. मुझे पूरी लाइन सुनाई, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला. और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि समीर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. इनके काफ़ी काम मैंने देखा है और ये मेरी शायद पहली फिल्म होगी इनके साथ. रिशिता तो मेरी बहुत पुरानी है, इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है. मुकेश ऋषि मेरे दोस्त हैं, जितने अच्छे एक्टर उतने अच्छे इंसान भी हैं. तो इनके साथ काम करके तो बहुत मज़ा आता है. तो कौशिक गोन साहब को और मेरे जो सुरेंद्र मित्रा साहब हैं जो डायरेक्टर, उनके साथ काम करके जिस तरह से मेरी मीटिंग हुई है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. तो मेरी सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ है और ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़ा आएगा इस रफ्तार में आप सब लोग शामिल हुई है और इसको सक्सेस बनाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. एक बात तो शोभन ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है. जिस तरह इसका नाम है फिल्म का, हमारी कास्टिंग भी वैसी ही हुई है, उसी रफ्तार में. रीज़न ये था कि मैं स्पोर्ट्स आज भी जो भी कर पाता हूँ आज भी मैं पसंद करता हूँ. तो मैं भी कॉलेज टाइम में थोड़ा एथलीट रहा, तो जो कहानी थी वो मुझे वापस अपनी दुनिया में ले गई. इसलिए मैंने कहा कि ये कहानी मुझे करनी चाहिए. और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात मुझे लगी जब मुझे इसकी कास्टिंग का पता चला कि ये जो लड़का है, यंग बॉय, ये खुद एथलीट. तो मुझे लगा कि इसके साथ काम करके और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कम हुआ है कि कभी फिल्मों का मतलब ये होता है कि एक्टर को ढूंढो, तो कभी कभी एक्टर के साथ उस करेक्टर को भी ढूंढ लेते हैं जो कर रहा होता है. तो अब देखो कितनी अच्छी बात है कि ये खुद बहुत बड़ा एथलीट है. तो हमें बहुत खुशी की बात है और सभी एक्सपीरियंस आदमी हैं, तो हम सब मिल के हम कोशिश करेंगे कि इसे अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाए जो हर घर तक पहुँचे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सर, पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ. थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग. थैंक यू सुनंदर सर, थैंक यू सर. और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं फिर से इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा. और सुनंदर सर ने मुझे, वो मेरे पास है, खुद मुझे बोले कि बड़ा स्पोर्ट्स स्पिरिट पे बेस्ड है. तो स्पोर्ट के नाम सुनते ही मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो मुझे करना ही चाहिए. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Hello everyone. Thank you so much, Sunanda ji, Kinshu ji, Kaushik ji, for having me in Tez Raftaar. और actually ये एक sports film है, sports based film है. और I do a lot of sports, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि एक sports based film है. वो बात अलग है कि हाँ, इससे मैं sports का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ये फिल्म बहुत ही स्पेशल फिल्म है. एंड वी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू इलाहाबाद एंड स्टार्ट द शूट एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सुनंद. और इसी के साथ मिस इंडिया का खिताब चला.
मुझे तो बात की हुई कि सुनंदर सर ने इलाहाबाद में शूटिंग रखी जहाँ पे मेरा घर है, तो थैंक यू सुनंदर सर। घर का खाना जरूर आ जाएगा, अकेला नहीं खाना। मैं कह रही तब इतनी जल्दी में इंतजार कर रही तुम्हारी वजह से। सही बात है सुनंदर मिश्रा डायरेक्टर। Thank you so much. First of all, King Shukran and Kaushikda. Thank you so much, King Shukran and Kaushikda, for believing in me and believing in this very different kind of subject, which is not really a very commercial kind of film. We can say it's an alternative cinema. And I thank all my star cast, everybody who had come here today and showering their best wishes on us. And all my star cast, Siddharth, Jannat, Rishida, Zameer, Mukesh ji, Mustaq bhai and Satish ji. Satish ji is not present here, he is shooting in Ranchi. So all my starters, because really, hello, really a bahut raftaar se hui hai start casting. It happened in the last 10 days maximum. Only Siddharth. Not even 10 days. Na? Okay, so anyway, thanks a lot. Thanks everybody and enjoy the party. 1 minute. क्योंकि ये कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं किसी को भी ले ले, क्योंकि नाइस बिहेव वो कैन कोऑपरेट। और मैं भी बैडमिंटन प्लेयर, मे बी पीपल डजंट नो दैट, सो दैट वाज द ओनली वन लव व्हिच आई टोल्ड इट्स अ स्पोर्ट्स बेस, आई शुड कोऑपरेट विद देम, आई शुड सपोर्ट देम, सो दैट्स व्हाई आई विद देम एंड वी ट्राई टू लंका तमीशा इफ यू कैन कम अप एज क्योंकि अभी अभी भी और कुछ कास्टिंग बाकी है जो हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छे कैरेक्टर है। फिर हमारे साथ और भी अच्छे लोग हैं, जो महेंद्र जी है फाइटिंग में, फाइट मास्टर राजीव मोना है म्यूजिक। हम लोग येस्टरडे वी ऑलरेडी रिकॉर्डेड विद वन सॉन्ग विद शार एंड वी आर प्लानिंग टू मोर सॉन्ग विद मीका एंड अरिजीत जी। So let us try to do the real good project and Prashant Production ji, aap aake nariyal thodenge to acha rahega kyunki stage chota hai, bolke I want to call up each and everyone slow and steadily. Of course, yeah, pura team ko hum bulayenge one by one, ek baar ye photographs ho jaye uske baad nariyal todna hai, then take. Yeah, you are anybody is there to Prashant ji? Production mein koi जब आप बोलेंगे तो आई विल कॉल अदर पीपल, केक के लिए सबको बुला लेंगे। सी में कभी ये नहीं सोचता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या छोटा बैनर है। मैं हरदम कंटेंट को देखता हूँ, कॉन्सेप्ट को देखता हूँ और स्क्रिप्ट क्या है। और द सेकंड थिंग इज़ कि ये जो फिल्म है ये मेरे घर में शूट हो रही है, इलाहाबाद में शूट हो रही है, और जहाँ पे मेरा जिमनास्टिक्स मेरी स्टडीज़ दोनों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये जो फिल्म है ये बेस्ड है स्पोर्ट्स स्पिरिट पे, जो एक जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन जिमनास्ट, नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट। सो इससे एक मैसेज भी जाएगा स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए कि आपके अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। और मैंने अभी धूम 3 करी, धूम 3 के बाद मैंने महाकुंभ भी किया था, महाकुंभ में अशोका किया था, अशोका में मुझे इतनी फैन फॉलोइंग मिली, उसके मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। बट आफ्टर अशोका में जो तेज़ रफ्तार कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे कोई वो नहीं लग रहा कि नहीं मैं छोटी फिल्म कर रहा हूँ। और आफ्टर दिस आई एम डूइंग झलक दिखला जा। सी वेरी ट्रूली अभी हमें भी उतना कुछ खास नहीं पता कि हमारा कैरेक्टर क्या है, बट जैसे हमने स्टोरी सुनी, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें बताया, उसके हिसाब से एक बच्चा है जो गांव में रहता है
और बहुत तेज़ भागते हैं, मतलब कुछ नहीं, कितने लोग के पास टैलेंट होता है बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उन्हें, जैसे अभी आते हैं इतने सारे शोज़ आते हैं अपने टैलेंट शो करने के लिए, बट वैसे ही एक गाँव का एक बच्चा है जिसे अपना टैलेंट दिखाना है बट वो नहीं दिखा पाता बिकॉज उसे इतनी नॉलेज नहीं है, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है, सो उसे धीमे धीमे उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहती हैं थोड़ा थोड़ा, और वो एक ओलंपिक्स में मेडल लेता है। सो ये स्पोर्ट्स स्पिरिट पे ही है कि उसके अंदर इतनी स्पोर्ट्स स्पिरिट है, वो रोज़ भागता है सुबह उठ के, वो भागने के मतलब लोग उठते हैं 6 o'clock, वो 5:30 पर उठता है, सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है और आके फिर सो जाता है, फिर अपना जो भी काम करता है वो करता है। सो ये स्पोर्ट्स स्पिरिट पे बेस्ड है। अभी मैं तेज रफ्तार कर रहा हूँ। हाँ कहाँ पे था मैं? सी आफ्टर दिस मूवी आई एम जिंग झलक दिखला जा, एंड आफ्टर झलक दिखला जा आई थिंक कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ क्योंकि मैं जिमनास्टिक्स है, मेरा क्लासेस हैं 12th, मेरा 11th है, 12th सब बाकी है, तो मुझे स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है अपनी, और जिमनास्टिक मुझे और इम्प्रूवमेंट लाना है ताकि जब मैं अगेन कम बैक करूँ, जब मैं थोड़ा बड़ा होकर और आऊँ, सो पीपल्स मतलब सब मुझे एक्सेप्ट करें, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, नया सब कुछ नया करके लाऊँ, जैसे अभी बहुत लोग नया नया लाते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी कुछ ऐसा नया लाऊँ, वो स्टाइलिटी दिखनी चाहिए ना आप। हाँ टाइगर सर ने जो किया है, उनके जो एक्शन है, उन्होंने अपनी फिल्म शुरू करने से पहले उन्होंने जिमनास्टिक्स की थी, बड़ा अच्छा है ना। मैंने क्या कहा अभी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं, और ऑलरेडी वो बड़े हो गए तो उन्हें लॉन्च करना ही था, उनके फादर जाके शॉप में उन्होंने लॉन्च किया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए और उन्होंने उसका यूज़ किया। सो अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं, और आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक जो टाइगर सर थे, टाइगर श्रॉफ जो भैया हैं, उन्होंने उनका जो विजन था वो क्लियर था, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने बहुत बेइंतहा से उसे पूरा किया, सो आई थिंक आज वो सुपरस्टार हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़े बैनर की या छोटे बैनर की फिल्म, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काम तो काम है, ये हमारा प्रोफेशन है जिसकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम एन आर्टिस्ट एंड बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे अपनी परफॉर्मेंस से मतलब है और अपना कैरेक्टर देखना है, अपनी फिल्म, इतनी अच्छी स्टार कास्ट है हमारी, इतने अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, इतनी अच्छी स्टोरी है, तो आई डोंट फील कि ये छोटे बैनर की फिल्म है, और कई बार छोटी चीज़ें बहुत बड़ा धमाल कर देती हैं, सो यू नेवर नो, छोटा बैग बड़ा धमाका भी हो सकता है। सो वी होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, और हमारी फिल्म इंशाल्लाह बहुत बड़ी हिट होगी। मैं अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, ये ऐसी कहानी है जो स्पोर्ट्स पे आधारित।